कहानी के शुरुआत में हम दो लड़कियों को देखते हैं जिनका नाम बैकी और हंटर था। ये दोनों लड़कियां 2000 फीट ऊंचे टीवी टावर पर फंसी हुई थी। इनके फोन में नेटवर्क भी नहीं था, इसलिए वह दोनों किसी को कॉल करके मदद भी नहीं मांग सकती थी। इससे भी बुरी बात यह थी कि यह टावर के ऐसे भीड़ इलाके में होता है जहां पर कोई इंसान नहीं रहते, इसलिए आसपास किसी का इन्हें देख पाना नामुमकिन था। और तो और, अगर इन दोनों में से कोई सोने की कोशिश करता तो इनके ऊपर गिद्ध हमला करके इनका मास्ट नोचने लगते। यह दोनों उस टावर पर कैसी फंसी, क्या इस टावर से वो बच पाएंगी या नहीं, चलिए देखते हैं हमारी आज की सर्वाइवल मूवी में। मूवी के शुरुआत में बैकी अपने पति डैन और अपने बेस्ट फ्रेंड हंटर के साथ पहाड़ पर चढ़ाई कर रही थी। तभी डैन को एक घोंसला दिखाई देता है और जब डैन उस घोंसले के अंदर हाथ डालता है तो अचानक ही उस घोंसले से एक पंछी उड़ जाता है, जिस वजह से डैन का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिरने लगता है। लेकिन रस्सी से बंधा होने के कारण अब वो हवा में लटकने लगता है। तभी डैन माउंटेन को पकड़ने की कोशिश करता है। यह देखकर बैकी बहुत घबरा जाती है। हंटर और बैकी उसकी मदद करने के लिए उसके पास आ ही रही थी कि तभी डैन की रस्सी का एंकर निकल जाता है और वो नीचे गिरकर मर जाता है। कहानी में आगे एक साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बैकी आज भी उस हादसे में मरे अपने पति को याद करके बहुत दुखी होती है। उसे अब शराब की लत लग चुकी है जिससे वो काफी उदास रहती थी। इस बात से उसके फादर जेम्स काफी परेशान थे। वो बैकी को उस हादसे को भुला कर नई जिंदगी शुरू करने की सलाह दे चुके थे, लेकिन बैकी उनकी एक नहीं सुनती। एक दिन बैकी अपनी जिंदगी से परेशान होकर बहुत सारी दवाई खाकर अपनी जान देने की कोशिश करती है कि तभी उसके मोबाइल पर हंटर का कॉल आता है जिससे वो सुसाइड नहीं करती। अगले दिन हंटर बैकी के घर जाती है। हंटर बैकी को उस सदमे से बाहर निकलने के लिए डैन की अस्थियों को टावर की चोटी से बहाने की सलाह देती है। इसलिए हंटर ने अमेरिका के चौथे सबसे बड़े टीवी टावर पर चढ़ाई करने का प्लान बनाया था, जिसमें वो बैकी को भी अपने साथ चढ़ाई करने के लिए कहती है। लेकिन बैकी उसके साथ जाने से साफ मना कर देती है क्योंकि इसी तरह की चढ़ाई में उसने अपने पति डैन को खो दिया था। अब हंटर उसे बताती है कि डैन की इच्छा थी कि वो कभी ना कभी इस टावर पर जरूर क्लाइंबिंग करेगा, लेकिन उसका यह ड्रीम अधूरा का अधूरा ही रह गया और हंटर वहां से चली जाती है। लेकिन अगली सुबह बैकी कुछ सोचती है और डैन के उस टावर पर चढ़ने वाले अधूरे सपने को पूरा करने के लिए वह हंटर के साथ उस टावर पर चढ़ाई करने के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में बैकी हंटर के फोन में उसकी कुछ पुरानी फोटो देखने लगती है कि तभी एक फोटो में हंटर के कंधे पर एक लड़के का हाथ दिखाई देता है। बैकी हंटर से उस लड़के के बारे में पूछती है लेकिन हंटर उसे कुछ जवाब नहीं देती। तभी बैकी के पिता उसे लगातार कॉल कर रहे थे लेकिन बैकी कॉल को रिसीव नहीं करती। काफी देर ड्राइव करने के बाद रात में वो एक मोटेल पर डिनर करते हैं। उस वक्त बैकी को पता चलता है कि हंटर अब एक यूट्यूबर है। यूट्यूब की कमाई से वो अपना खर्चा पानी चलाते हैं। इसी बीच बैकी की नज़र खिड़की के बाहर उसी टीवी टावर पर पड़ती है जहाँ पर ये दोनों जाने वाली थी। हंटर बैकी को बताती है कि यह टावर अमेरिका का चौथा सबसे बड़ा ऊंचा टावर है। अगली सुबह बैकी और हंटर अपनी कार में बैठकर अपना सफर जारी रखते हैं। यहाँ पर हंटर ड्राइविंग करते करते अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो बनाने लगती है जिसमें वह अपने व्यूअर्स को बताते हैं कि वह अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ उस टीवी टावर पर चढ़ने वाले हैं। आखिर में वो दोनों उस टावर के एरिया में पहुंच जाते हैं जहां उन्हें गेट के अंदर ना जाने वाला बोर्ड दिखाई देता है। रास्ते में उन्हें कुछ गिद्ध एक मरे हुए जानवर का मांस खाते हुए दिखाई देते हैं। हंटर उस मरे हुए जानवर की फोटो लेकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती है। कुछ देर बाद वे टावर तक पहुंच जाते हैं। वहीं बैकी टावर की ऊंचाई देखकर काफी डर जाते हैं और उसे लगता है कि वो ये नहीं कर पाएगी क्योंकि डैन के साथ हुए हादसे के बाद उसने कभी इतनी ऊंचाई पर चढ़ाई नहीं की थी। लेकिन हंटर उसे हौसला रखने के लिए कहती है। इसके बाद हंटर उसकी कमर पर एक रस्सी बांधकर टावर पर चढ़ाई करना शुरू कर देती है। यह टावर काफी पुराना हो चुका था जिस पर पूरी तरह से जंग लग चुकी थी। इस टावर की सीढ़ियां हिल रही थी और नट बोल्ट भी काफी लूज हो चुके थे। यहाँ पर अब ये दोनों काफी ऊपर तक पहुंच चुकी थी कि तभी बैकी के हाथ से सीढ़ी का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिर जाता है जिससे बैकी घबरा जाती है। लेकिन वह हिम्मत करके फिर से उस टावर पर चढ़ने लगती है। अब वह धीरे धीरे आधे टावर तक पहुंच जाती है। ये दोनों यहाँ पर कुछ देर तक आराम करती है और पानी पीने के बाद फिर से चढ़ना शुरू करती है। अब वो दोनों 1800 फीट तक ऊपर पहुंच चुकी थी और अब उन्हें सिर्फ 200 फीट ऊपर चढ़ना बाकी था। बैकी इतनी ऊपर चढ़कर वहाँ हवा बहुत तेज चलने से काफी डरने लगती है और सीढ़ियाँ भी काफी पुरानी होने की वजह से हिल रही थी। बैकी हंटर से कहती है कि अब बस हुआ, उन्हें वापस नीचे जाना चाहिए। लेकिन हंटर उसे बोलती है कि अब उन्हें इतने ऊपर आकर हार नहीं माननी चाहिए, जिसके बाद वह वापस से चढ़ाई शुरू करती है। यहाँ से टावर के ऊपर चढ़ने का रास्ता काफी खतरनाक था। रास्ते में लगी कुछ डिस्क को हंटर काफी आसानी से पार कर लेती है और अब वो बैकी को भी उन्हें पार करने में उसकी मदद करती है। अब वे जैसे जैसे ऊंचाई पर जा रही थी वैसे वैसे हवा का दबाव भी बढ़ रहा था जिससे बैकी और भी ज्यादा घबरा जाती है। इसी बीच सीढ़ी के पुराने नट बोल्ट एक एक करके अपने आप निकलते हैं। लेकिन इस बात से अनजान वे दोनों ऊपर चढ़ाई जारी रखते हैं और आखिरकार वो दोनों टावर के ऊपर पहुंच ही जाते हैं जहाँ एक और नट बोल्ट खुलकर नीचे गिर चुका था। अब यहाँ पर वे दोनों लोग काफी इंजॉय करते हैं। हंटर दोबारा से अपना ब्लॉग बनाना शुरू करती है और वीडियो में अच्छे शॉट्स लेने के लिए
वो ड्रोन कैमरा का इस्तेमाल करती है। थोड़ी देर बाद हंटर अपने व्यूवर्स को और अच्छा सीन दिखाने के लिए बैकी को ड्रोन का रिमोट देकर खुद उस टावर के सहारे एक हाथ से लटक जाती है। शॉट्स लेने के बाद वह वापस से ऊपर आती है और सेम यही चीज़ बैकी को भी करने के लिए कहती है, लेकिन बैकी उसे ऐसे करने से मना कर देती है, जिस पर हंटर उसे बताती है कि उसका डर भगाने का यह सबसे बड़ा आसान मौका है। जिसके बाद बैकी हंटर का हाथ पकड़कर वही स्टंट करती है और हंटर उसकी फोटो लेने लगती है। इससे बैकी वापस से ऊपर आती है। यहाँ पर बैकी अपने पति डैन की अस्थियों को लेकर आई थी, जो डैन को याद करते हुए उसकी अस्थियों को यहाँ से विसर्जित कर देती है। इस पल बैकी और हंटर दोनों काफ़ी इमोशनल हो गई थी। इसके बाद वह डिसाइड करते हैं कि अब उन्हें वापस जाना चाहिए, इसलिए वह अपने रस्सी को खुद से बांध देती है और बैकी नीचे जाना शुरू कर देती है। लेकिन जैसे ही वो पहला कदम सीढ़ी पर रखती है तो सीढ़ी टूट जाती है और वह सीढ़ी के साथ साथ नीचे गिरने लगती है, लेकिन हंटर किसी तरह से उसे पकड़कर वापस खींच लेती है। यहाँ पर बैकी मौत को चकमा देकर झट से वापस आई थी, जिससे वो जोर जोर से डर के मारे रोने लगती है और अचानक दोनों हंसने लगते हैं। नीचे देखने पर उन्हें पता चलता है कि अब उन्हें नीचे उतरने के लिए कोई भी सीढ़ी नहीं बची। वो दोनों अपने अपने फोन को चेक करती है, लेकिन उनके फोन में कोई नेटवर्क नहीं था और उनका पैक भी नीचे टावर डिस्क पर गिर चुका था, जिसमें उनके खाने पीने का सामान था। ऊपर टावर पर उन्हें एक इमरजेंसी बॉक्स दिखाई देता है, इसे खोलने पर उन्हें दूरबीन और फ्लेयर गन दिखाई देती है, लेकिन ये दोनों चीज़ें उनके किसी काम की नहीं थी। यह सब देखकर बैकी हंटर पर भड़क जाती है। हंटर उसे यह कहते हुए शांत करने की कोशिश करती है कि हो सकता है सीढ़ियों के नीचे गिरने की आवाज़ सुनकर कोई उनकी मदद करने के लिए आ जाए, इसलिए अब हम दोनों को बस थोड़ा सा वेट करना होगा जब तक कि कोई आ ना जाए। तभी हंटर नोटिस करती है कि पिछली बार सीढ़ियों के गिरने की वजह से बैकी के पैर पर जो चोट लगी थी उससे अब खून बाहर आने लगा है। यहाँ पर हंटर बैकी की चोट पर अपनी शर्ट बांध देती है। कुछ समय बाद बैकी हंटर से पूछती है कि वो यूट्यूबर क्यों बनी, जिस पर हंटर गलती से डैन का नाम लेती है, जिससे बैकी के मन में हंटर के प्रति शक बैठता है। कुछ देर बाद हंटर अपना फोन चेक करती है, जहाँ उसने कुछ देर पहले इंस्टाग्राम पर एक मरे हुए जानवर की फोटो डाली थी जो कि अब अपलोड हो चुकी थी। इससे उन्हें आइडिया आता है कि वह अपने फोन पर एक हेल्प मैसेज टाइप करेंगे और उस फोन को रस्सी से बांधकर नीचे लटका देंगे, यह सोचकर कि शायद नीचे जाने पर फोन में सिग्नल आ जाए और उनकी पोस्ट अपलोड हो जाए। हालांकि इनकी यह कोशिश भी फेल हो जाती है। इसके बाद उन्हें लगता है कि जमीन पर तो जरूर रेंज होगी, इसलिए वो उस फोन को अपने जूते में फंसाकर जूतों को नीचे फेंक देती है कि तभी यहाँ टावर पर बैकी का ध्यान हंटर के दूसरे पैर पर जाता है, जहाँ 143 का टैटू लगा हुआ था। इसे देखकर उसे याद आता है कि उसका पति डैन हमेशा उसे आई लव यू कहने के लिए 143 कोड वर्ड का यूज करता था, लेकिन बैकी इसे इग्नोर करके इस टावर से नीचे उतरने के लिए कोई और ट्रिक सोचने लगती है। थोड़ी देर बाद उन दोनों को दूरबीन से नीचे जमीन पर एक आदमी और एक कुत्ता दिखाई देता है। इसे देख वे उस आदमी से मदद के लिए आवाज़ लगाती है, लेकिन इतनी ऊंचाई होने के कारण उनकी आवाज़ नीचे नहीं पहुँचती। और आगे हम देखते हैं कि हंटर ने जो फोन जूते में डालकर नीचे फेंक दिया था अब उसके टुकड़े टुकड़े हो गए हैं और अब उनकी यह आइडिया भी फेल हो गई है। वह आदमी यहाँ से निकलने लगता है। यह देखकर बैकी मदद के लिए चिल्लाते हुए अपने जूते उस आदमी पर नीचे फेंक देती है ताकि उस आदमी का ध्यान ऊपर की ओर उन पर आ जाए। इसके बाद बैकी फ्लेयर गन चलाने लगती है, लेकिन हंटर उसे यह करने से मना करती है कि अभी दिन का समय है तो किसी को भी फ्लेयर गन दिखाई नहीं देगी। और इसी दौरान वो दो और आदमी को पास में आते हुए देखती है जो कि यहाँ पार्टी करने के लिए आए हुए थे। उन्हें देखकर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि थोड़ा अंधेरा होने पर इस फ्लेयर गन को चलाएंगे ताकि वो लोग उन्हें देख सके और उनकी मदद कर सके। अब रात हो चुकी थी। बैकी फ्लेयर गन को चलाती है, जिससे वह दो आदमी उन्हें देख लेते हैं। यहाँ पर बैकी और हंटर अपने हाथों से इशारा करते हुए उन्हें जोर जोर से चिल्लाकर उनसे मदद मांगने की कोशिश करती है। बाद में वह दोनों दूरबीन से देखते हैं कि वह दोनों आदमी हंटर की कार के पास जा रहे थे, जिसे देखकर दोनों खुश हो जाते हैं। लेकिन उनकी मदद करने के बजाय वह आदमी उनकी कार को चुरा कर वहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं। यह देखकर वो दोनों काफ़ी दुखी हो जाते हैं और अब इनके पास कोई नई आइडिया नहीं थी कि अब वह क्या करे। यहाँ पर बैकी हंटर से उसके पैर पर बने टैटू के बारे में पूछते हैं तो हंटर यह राज बताती है कि उसका और डैन का 6 महीने तक अफेयर था। इसके लिए वह बैकी से माफ़ी भी मांगती है कि उसने उसके पति के साथ अफेयर करके बहुत बड़ी गलती की। हंटर बताती है कि डैन को वो लाइक करती थी, लेकिन डैन बैकी से ज़्यादा प्यार करता था, इसलिए उसने जल्दी ही डैन से ब्रेकअप कर लिया। बैकी यह सुनकर और भी ज़्यादा दुखी हो जाती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड और उसका पति दोनों ही उसके साथ चीटिंग कर रहे थे। अगली सुबह बैकी फोन को चेक करती है, जहाँ उसे पता चलता है कि इस टावर पर चढ़े उन्हें 24 घंटे हो चुके हैं। अब इन्हें काफ़ी भूख और प्यास लग रही थी, इसलिए हंटर डिसाइड करती है कि वह नीचे जाकर अपने बैग को लेकर वापस आएगी, जिसके बाद वह रस्सी को टावर से बांधकर नीचे उतरने लगती है।
लेकिन डिस्क तक वह रस्सी नहीं पहुंच पाती, जिससे हंटर उस बैग तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए हंटर अपने साथ बड़ी रस्सी खोलकर उस पर जंप लेते हुए डिस्क पर कूद जाती है। वो बैग को उठाकर उसमें से पानी की बोतल निकालकर पानी पीने लगती है। इसके बाद वो सेल्फी स्टिक की मदद से बैग को रस्सी से लटका देती है और खुद भी कूद कर उस रस्सी को पकड़ लेती है कि तभी बैकी उसे ऊपर से खींचना शुरू करती है। यहाँ पर हंटर भी ऊपर चढ़ने लगती है और अब वो ऊपर पहुँचने वाली ही थी कि तभी उसके हाथ से रस्सी फिसल जाती है, जिस वजह से वो तेजी से नीचे गिरने लगती है। यह देखकर बैकी की धड़कन एकदम से तेज हो जाती है, क्योंकि उसने अपने पति को ऐसे ही खो दिया था। अब वह अपने बेस्ट फ्रेंड को खोना नहीं चाहती थी। लेकिन जैसे ही बैकी डर के मारे नीचे देखती है तो उसे हंटर उस रस्सी पर लटकती हुई दिखाई देती है। इससे हंटर के हाथों में काफ़ी चोट लग गई थी, इसलिए बैकी अपनी पूरी ताकत लगाकर हंटर को ऊपर खींच लेती है। थोड़ी देर बाद बैकी एक हेल्प नोट लिखकर ड्रोन में अटका देती है और ड्रोन के सहारे यह नोट पास के होटल तक पहुंचाने की कोशिश करती है। लेकिन ड्रोन में बैटरी लो होने की वजह से वो ज़्यादा दूर नहीं जा पाता, इसलिए वो उसे वापस अपने पास ले आती है। यहाँ अब फिर से वो दोनों टावर पर हेल्प लेती है। रात में बैकी को एक भयानक सपना आता है, जिसमें वो देखती है कि हंटर की उसी टावर पर मौत हो गई है और गिद्ध हंटर के शरीर को खा रहे हैं। इससे वो डर कर उठती है और तब उसे मालूम होता है कि यह तो बस एक बुरा सपना था। अगली सुबह बैकी के दिमाग में आइडिया आती है कि टावर के ऊपर जो लाइट लगी थी उससे वो ड्रोन को चार्ज कर सकती है। इसके बाद बैकी उस पोल पर चढ़कर जैसे ही ड्रोन चार्जर को प्लग में लगाने लगती है, वह देखती है कि वह प्लग काफी लूज था, इसलिए बैकी को ऊपर ऐसे ही लटकते हुए उस चार्जर को पकड़े रखती है। काफी टाइम से उस पोल को पकड़े रहने की वजह से बैकी के हाथ धीरे धीरे सुन्न पड़ने लगे थे। और इससे भी बुरी बात यह थी कि अब यहाँ पर एक गिद्ध आकर उस पर अटैक भी कर रहा था, जिससे बैकी के हाथों से बैग नीचे गिर जाता है। थोड़ी देर बाद उस ड्रोन की बैटरी फुल हो जाती है और अब बैकी नीचे आती है। इसके बाद वह ड्रोन को होटल तक पहुंचाने की कोशिश करती है, लेकिन जब ड्रोन होटल तक पहुंचने वाला था कि रास्ते में वो एक ट्रक से टकरा जाता है, जिससे वह ड्रोन पूरी तरह से डैमेज होता है। अब बैकी को ड्रोन कैमरे से कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। यह देखकर वह दोनों काफी दुखी होते और गुस्सा करने लगते हैं, क्योंकि अब उनके पास बचने का कोई भी चारा नहीं था। इतनी सारी असफलताओं के कारण अब वो दोनों हार मानने लगते हैं। शाम के समय वहां पर तूफान बनने लगते हैं, जिससे इनका जिंदा रहना और भी मुश्किल हो गया था। यहां पर बैकी को बहुत तेज नींद आ रही थी, इसलिए वो सोने लगती है, लेकिन हंटर उसे ऐसा करने से मना करती है, क्योंकि उनके सोने पर गिद्ध उन पर फिर से हमला कर सकते हैं। उस पर बैकी हंटर से उसका दूसरा जूता देने को कहती है, ताकि इस बार उसमें अपना फोन डालकर नीचे फेंक सके। हंटर उससे कहती है कि मेरा जूता तो नीचे मेरे साथ ही है। और अब हमें पता चलता है कि जब हंटर नीचे डिस्क पर कूदी थी, उसी टाइम डिस्क पर गिरने से उसकी मौत हो गई थी। और उसके बाद बैकी अकेले ही टावर पर अपने आप से ही बात कर रही थी। बैकी दिन में सपने देख रही थी कि जिसमें वो हंटर को अभी जिंदा मानकर उसे इमेजिन कर रही थी। रात में बैकी तूफान में जिंदा रहने के बाद बैकी अपने पापा के लिए एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करती है, इसमें वह वापस अपने घर आने की बात उनसे कहती है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि बैकी के पापा जेम्स बैकी को लेकर बहुत परेशान थे। अगली सुबह जब बैकी टावर पर सो गई थी, तभी एक गिद्ध बैकी के घाव को खाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब बैकी किसी तरह से उसे मार देती है। बैकी को काफी भूख लगी थी, इसलिए बैकी उसे कच्चा ही खाने लगती है। इससे बैकी में थोड़ी एनर्जी आती है। अब बैकी रस्सी के सहारे नीचे डिस्क पर उतरती है, जहां हंटर की डेड बॉडी पड़ी थी। इसके बाद वह अपने पापा को मैसेज करती है कि वह टावर पर अकेली फंसी हुई है। अपने मोबाइल को हंटर के जूते में फंसा देती है और इस बार वह जूता हंटर की डेड बॉडी में रख देती है, ताकि फोन टूट ना जाए, और उस डेड बॉडी को नीचे फेंक देती है। अब इस बार उसका प्लान काम कर जाता है। बैकी का मैसेज उसके पापा को मिल जाता है और बैकी के पापा तुरंत पुलिस को बुलाकर वहां टावर तक पहुंच जाते हैं। तो वे देखते हैं कि टावर के आसपास बहुत भीड़ है। वहां पर बैकी की डेड बॉडी पड़ी है, जिसे पुलिस ले जा रही है। यह देखकर वो रोने लगते हैं कि तभी वह देखते हैं कि पीछे बैकी खड़ी है, जो कि अब जिंदा बच चुकी है। बैकी के पापा समझ जाते हैं कि वो डेड बॉडी जिसे पुलिस ले जा रही थी, वह उसके दोस्त हंटर की थी। बाद में वह दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और रोने लगते हैं। और इसी के साथ ये अमेजिंग मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल की घंटी को ऑन कर दीजिए। तो मिलेंगे अगली मूवी के एक्सप्लेनेशन में।